सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सोललैंड नोवेल के आगे के सीन को जानेंगे। हमारी पिछले वीडियो में तानसेंग की 8 स्पाइडर लेंसेज इवॉल्व होकर सी गॉड 8 विंग्स में अपग्रेड हो गई थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए नोवेल को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही तानसेंग के सी गॉड 9 ट्रायल की फर्स्ट टेस्ट कम्प्लीट होती है, तो वैसे ही सी गॉड 8 विंग्स अपने प्लेटफॉर्म पर वापस पहुंच जाता है और वो प्लेटफॉर्म आगे बढ़ जाती है। अब इसके तुरंत बाद सेकेंड राउंड प्लेटफॉर्म तानसेंग के सामने आकर रुक जाती है। जैसा कि तानसेंग ने एक्सपेक्ट किया था, उसे फिर से बहुत ही तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, पर इस बार का दर्द उसके राइट आर्म में हो रहा था। तानसेंग को ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि एक सुनहरे रंग का हाथ उसके राइट आर्म को पकड़ रही है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तेज दर्द हो रहा था। अब तानसेंग इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अपने राइट हैंड से कमर की मसल्स को जोर से पकड़ लेता है और उस सुनहरी हाथों को अपने राइट हैंड की राइट आर्म बोन को निकालने की अनुमति देने लगता है। क्योंकि तानसेंग ने सीगोट के 9 ट्रायल के पहले पड़ाव को पास कर लिया था, इसलिए वो समझ चुका था कि सीगोट के इस आखिरी ट्रायल में उसे लगातार दर्द का सामना करना पड़ेगा। तानसेंग सोचता है कि हो सकता है मेरे सातों सोल बोन एक के बाद एक करके निकाल लिए जाए और इस ट्रायल के आखिरी भाग में उसको अपने सीगोट ट्राइडेंट को ठीक करना पड़े। इस तरह से देखा जाए तो सीगोट के 9 ट्रायल के ये 8 टास्क होने चाहिए, पर इस ट्रायल के सभी टास्क में लगातार दर्द का सामना करना पड़ेगा। तानसेंग जो कुछ सोच रहा था, ये ट्रायल बिल्कुल उस तरह से नहीं चल रहा था जैसा कि उसे उसके पहले टास्क में बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ा था। और जब आखिर में उस दर्द का रिजल्ट उसे मिला, तो उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। यहाँ ये साफ नजर आ रहा था कि इस ट्रायल के बाकी पड़ाव में अलग अलग तरह के मन के भाव का इस्तेमाल होने वाला था, ताकि तानसेंग इनसे प्रभावित होकर अपने मेन प्लेटफॉर्म को छोड़ने के लिए विवश हो जाए। और जब तानसेंग ऐसा कोई कदम उठाएगा तो उसकी गॉड इनहेरिटेंस फेल हो जाएगी। हम सभी को पता है कि तानसेंग बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, और इस नॉलेज के साथ तानसेंग पहले से ही तैयार खड़ा था। अब उसे पता चलता है कि उसके राइट आर्म के सोल बोन को निकाले जाने की प्रक्रिया उसके 8 स्पाइडर लेंसेस से थोड़ा ज्यादा थी, और उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वो भी पहले से कम हो गया था। ये कुछ ऐसा था जो तानसेंग पहले ही गौर कर चुका था। वो पहले ही समझ चुका था कि जितना ज्यादा समय सोलबोन को निकलने में लगेगा, उतना ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की सोलबोन तैयार होगी और सीगॉट की एनर्जी में भींग कर उस सोलबोन का प्रभाव और ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि स्काई ब्लू बुल पाइथन की राइट आर्म सोलबोन बहुत अच्छी है, पर ये अभी भी 8 स्पाइडर लेंसेस से थोड़ी दूर है, जो कि अब गॉड लेवल यानी कि सीगॉट 8 विंग्स में बदल चुकी है। जिस वजह से जब इस सोलबोन को बाहर निकाला गया, तो इस सोल बोन के निकलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, इसी कारण इसका प्रभाव थोड़ा बहुत खराब हो सकता था। अपने सीगॉट 8 विंग्स को देखने के बाद तानसेंग और ज्यादा उत्साहित था, और वो जानना चाहता था कि उसका स्काई ब्लू बुल पाइथन राइट आर्म बोन बदल कर कैसा दिखने वाला है। अब तानसेंग को इसका जवाब जल्दी देखने को मिल गया, जिसे देखकर तानसेंग चौंक जाता है और फिर निराश हो जाता है। अब स्काई ब्लू बुल पाइथन की राइट आर्म बोन जो निकाल ली गई थी, वो अब सेकेंड राउंड प्लेटफॉर्म पर लैंड हो चुकी थी, और फिर इस सोल बोन पे सुनहरी लहरें घूमने लगती हैं। इन सुनहरी लहरों को राइट आर्म सोल बोन सूखने लगता है। अब बहुत ही जल्द सुनहरी लहरें और सीगॉट की एनर्जी स्काई ब्लू बुल पाइथन की राइट आर्म सोल बोन में घुल जाती है, और फिर इस सोल बोन में अजीब बदलाव दिखाई पड़ने लगता है। ये सोल बोन तानसेंग के राइट आर्म जितनी बड़ी हो चुकी थी, पर इसमें कोई मुड़ाव देखने को नहीं मिलता है, और फिर ये सोल बोन सीधा सेकंड प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर रुक जाती है। इस सोल बोन का ऊपरी भाग बिल्कुल ऑस्कर के मशरूम जैसा दिखाई दे रहा था। अगर ये छोटा होता तो ये बिल्कुल ऑस्कर के फ्लाइंग मशरूम सॉसेज की तरह दिखाई देता, पर इस सोल बोन में सबसे विचित्र चीज ये दिख रही थी कि इस मशरूम जैसे दिखने वाले सोल बोन के ऊपरी भाग से सोने की तरह कुछ तरल पदार्थ निकल रहा था, जिसकी कुछ छींटे उड़कर तानसेंग के ऊपर गिर रही थी, और इसमें से मछली की गंध आ रही थी। ये देखकर तानसेंग आग बबूला हो जाता है और गुस्से से अपना राइट हैंड उठा लेता है, पर इसी समय दुनिया का सबसे अश्लील सोल मास्टर बुली की आवाज तानसेंग के कानों में गूंजने लगती है, जो उससे कहता है कि ये कितना शर्मनाक है, और फिर बदलाव रुक जाता है। और अब एक धमाके के साथ तानसेंग को महसूस होता है कि उसका दिमाग गुस्से से फट रहा है, क्योंकि अगर कोई तानसेंग की बेइज्जती करे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता,
पर यह बेइज्जती दामिंग के सैक्रिफाइस के ऊपर की गई थी, तो उसे वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। और वो इसी समय एक कदम आगे बढ़ाकर इस अजीब दिख रही चीज को बर्बाद कर देना चाहता था। टैंगसेंग के लिए उसके दोस्त और रिश्तेदार बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और दामिंग जिसने जावो को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, उसकी बेइज्जती को टैंगसेंग कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए अब ये जानते हुए भी कि ये एक जाल हो सकता है, टैंगसेंग खुद को नहीं रोक पाता है और आगे बढ़ने के लिए अपना पैर उठाने लगता है। भले ही टैंगसेंग अपने गॉड इनहेरिटेंस को आगे ना बढ़ा पाए, पर वो दामिंग के लिए अपमान नहीं सह सकता है। लेकिन जैसे ही टैंगसेंग कदम उठाने जाता है, वैसे ही एक परिचित आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगती है, जो उससे कहता है कि मेरे भाई, तुम बेवकूफ मत बनो। मैं तुम्हारे गुस्से में मेरे लिए रेस्पेक्ट को महसूस कर सकता हूँ, जो मेरे लिए काफी है, और एक गॉड के शरीर का भाग बन पाना मेरे लिए गर्व की बात है। ये सुनते ही टैंगसेंग अपने आधे बढ़ाए हुए कदम को रोक लेता है। अब जैसे ही टैंगसेंग रुक जाता है, तो उस मशरूम जैसी चीज में से तरल पदार्थ का बहाव रुक जाता है। अब टैंगसेंग दामिंग की आवाज को पहचान लेता है और अपनी धुंधली नजरों से दामिंग के सोल बोन को देखने लगता है। अब दामिंग की सोल उसे कहती है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्या तुम गॉड इनहेरिटेंस में फेल होकर मरना चाहते हो और फिर से जावो को दुखी करना चाहते हो। दामिंग की आत्मा बहुत ही धुंधली दिखाई पड़ रही थी और ये उसके आखिरी शब्द थे जो वो बोल सकता था। लेकिन दामिंग के इन शब्दों ने टैंगसेंग के ऊपर बहुत ही विनाशकारी ताकत डाल दिया। आमतौर पर साधारण सोल मास्टर सोल बीस्ट को मारकर उनसे सोल बोन ले लेते हैं, और वो सोल बोन स्वाभाविक रूप से उस सोल मास्टर के प्रति शत्रुता से भरा स्वभाव रखती है। पर टैंगसेंग का केस उन सबसे अलग था, क्योंकि दामिंग खुद को सैक्रिफाइस करके टैंगसेंग के स्काई ब्लू बुल पाइथन की राइट आर्म सोल बोन बनकर खुश था, और उसकी आत्मा हमेशा से उसकी सोल बोन में थी और टैंगसेंग को जावो को रिवाइव करते हुए देख रही थी, जिस वजह से वो टैंगसेंग का बहुत आभारी था। भले ही दामिंग की सोल बोन गॉड लेवल की नहीं थी, पर भी उसने टैंगसेंग को चेतावनी देने के लिए अपनी सोल की पावर का यूज किया था, ताकि टैंगसेंग अपने गॉड इनहेरिटेंस को बर्बाद न कर ले और उसके इस अपमान को घोट कर पी ले। इस बार ना तो सी गॉड ने कुछ बदलाव किया था, ना ही किस्मत ने टैंगसेंग को बचाया था। ये दामिंग था जिसने टैंगसेंग के गॉड इनहेरिटेंस को बचा लिया था। ये देखकर अब टैंगसेंग की आंखें नम हो जाती हैं। फिर वो अपने उठाए हुए पैर वापस ले लेता है और कहता है कि दामिंग, मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। टैंगसेंग ने अपने इस दुख को ताकत में बदल लिया और उसने जो गुस्सा महसूस किया था उसे दहाड़ते हुए मिटा दिया। लेकिन उसने अपनी मुट्ठी पहले से ही जकड़ी हुई थी और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही टैंगसेंग ने अपने स्वभाव को स्थिर किया और खुद को शांत कर लिया, वैसे ही उसके सामने सब कुछ बदल गया। वो मशरूम जैसी आकृति वाली चीज अचानक फट गई और फिर वहाँ सुनहरे बादल छा गए, जिसमें से एक ड्रैगन की रोने की आवाज गूंजने लगी। ड्रैगन की रोने की आवाज सुनकर टैंगसेंग फिर से दामिंग को देखने के लिए उत्सुक हो गया, लेकिन इस बार राइट आर्म सोल बोन सिकुड़ कर आकार बदल रहा था। और अब जैसे ही दामिंग की सोल बोन बदल कर नया रूप ले लेती है, वैसे ही सुनहरी धुंध से स्काई ब्लू बुल पाइथन की बुल हेड और पाइथन बॉडी बाहर आ जाती है। भले ही उसमें दामिंग की सोल नहीं दिख रही थी, पर अब दामिंग पलक झपकते ही एक गोल्डन ड्रैगन में बदल गया था। वो गोल्डन ड्रैगन जो डीप सी डेमन वेलकिंग अपने 10 लाख साल के कल्टीवेशन के बाद बनने वाला था, अब ये गोल्डन ड्रैगन सेकेंड राउंड प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर बैठ जाता है। भले ही अभी इस गोल्डन ड्रैगन की साइज बहुत छोटी थी, पर भी इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये स्वर्ग के नौवे भाग में सुनहरी धुंध के बीच में घूम रहा हो। इसके बाद ये सेकेंड राउंड प्लेटफॉर्म अपनी जगह वापस चला जाता है। ये देखते ही टैंगसेंग खुशी से चिल्लाने लगता है और कहता है कि यस, दामिंग के स्काई ब्लू बुल पाइथन को इवॉल्व होकर बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। इतना कहकर अब टैंगसेंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अब उसका दिल शांत हो जाता है। सीगॉट के 9 ट्रायल के पहले टेस्ट ने टैंगसेंग को खुशी देकर प्रभावित किया था, लेकिन दूसरे टेस्ट ने गुस्से से प्रभावित किया था। टैंगसेंग का ये ट्रायल बहुत ही डरावना रूप ले रहा था, क्योंकि अब ये ट्रायल और ज्यादा कठिन होता जा रहा था। इन दोनों टेस्ट को पास करने के बाद टैंगसेंग को इस सी गॉड इनहेरिटेंस से बहुत ही गहरी समझ मिल गई थी। वैसे तो टैंगसेंग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर उसे उसके पिछली दुनिया के कुछ बातें याद आ गई थी जो उसने पहले पढ़ रखी थी। ये इंसान की 7 भावनाएं थी, जिसे हम
खुशी, क्रोध, दुख, भय, प्रेम, घृणा और इच्छा के नाम से जानते हैं। अब तानसेन की थर्ड टेस्ट दुख के ऊपर होने वाली थी और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप एक नए एनएम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।